यही है कि मेरे हस्बैंड का ना पहले बहुत अच्छा काम था, मतलब 5 4 लड़के काम भी करते थे उनके आगे, जी, और अब 1 साल की ये प्रॉब्लम हो रही कि ये एकदम से है ना काम बंद हो गया। अच्छा, तो कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ पे हमारा जाति घर है ना जी, सहारनपुर में, तो लखत में वहां से कभी कील निकलती है, कभी सुइया निकलती है, जी और जब इलाज कराते हैं काम चल जाता है, तो और जिस टाइम पर होली दीपावली आती है ना फिर काम बंद हो जाता है, बहुत परेशानी का हिसाब बन रहा है। हजरत जी 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 को बताओ। अच्छा, इंशाल्लाह आपकी परेशानी अल्लाह पाक गैब से हल फरमाएंगे। अगर आप सूरत वज़ुहा का वो अमल जी जिसके हर काफ पर 9 बार या करीम पढ़ना होता है, अगर सूरत वज़ुहा का वो अमल जिसके हर काफ पे 9 बार या करीम पढ़ना है, अगर वो कर लें दिन में चंद बार, एक जी बार, 3 बार, 5 बार, जो आपको सहूलत हो, लेकिन जब भी करें गिड़गिड़ा के तवज्जो से जी अपने मसाइल और मकासिद का तसव्वुर करते हुए, एक तो ये अमल कर लें, जी और दूसरा ये है कि जी आप जुमे के दिन असर और मगरिब के दरमियान पहले से अपने आप को फारिग रखें, किसी मसरूफियत किसी जिम्मेदारी से जी पहले से अपने आप को फारिग कर लें जुमे के जी दिन असर से मगरिब के दरमियान, ठीक है। और उस जी दौरान जो है आप जी 70 बार आयतल कुर्सी पढ़ें, 70 बार उस दौरान 70 बार आयतल कुर्सी पढ़ें, जी और पढ़ते हुए अपने मकासिद मसाइल और अपनी मुश्किलात का बहुत ज्यादा तस्वर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपकरी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल सके।